नेशनल हाईवे पर मोटरसाइकिल रेहड़ी पर 15 लोगों और बच्चों को बैठाकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए बटाला से एमपी ग्वालियर जा रहे शख्स से जब बात की गई तो उनका कहना था कि यहां भूख से मरने से अच्छा है कि हम अपने परिवार में जाकर मरे। उन्होंने बताया कि 15 साल से पंजाब में रह रहे हैं पर अब कोरोना बीमारी की वजह से लॉकडाउन के चलते काम काज बंद हो गया और इसी कारण वह मजबूरी में वापिस जा रहे हैं और रेल से जाने की बुकिंग नहीं हो पा रही। कोरोना के चलते पंजाब में रोजी रोटी के तलाश में आए प्रवासी मजदूर किसी न किसी तरीके से अपने राज्य अपने घरों में पहुंचना चाहते हैं। अपने घरों तक पहुंचने के लिए रेल पटरी के रास्ते से जा रहा है, कोई सड़क के रास्ते से किसी न किसी साधन से जा रहा है। ऐसा ही दिखाई दिया फतेहगढ़ साहिब से गुजरते नेशनल हाईवे पर, जहां एक व्यक्ति मोटरसाइकिल रेहड़ी पर 15 लोगों और बच्चों को बैठाकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए बटाला से एमपी ग्वालियर जा रहा था। यहाँ पर कुछ खाने को नहीं है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। बटाली सूरत मल्ली बटाल कोटली है, सूरत मल्ली काम बंद ही बिल्कुल। 8-10 दिन काम की मुड़ के लॉकडाउन लग गया। कैसे तो बहुत साल हो गए, 15 साल हो गए। खड़ी कर लेते, बार बार गर्म हो जाए खड़ी कर लेते। अब की गर्मी मर रहे, घर पर जाके अब पहुँचाएंगे बस। सभी यहाँ पर तो घर वाले घबरा रहे हैं। अच्छा राजू राजू बता रहे थे तेरे में ग्वालियर ग्वालियर जो बैंड कोई खाने पीने को नहीं, भूखे मर रहा हूँ, खाने पीने को नहीं, भूखा मर रहा हूँ, इस घर के बेचारा पड़ेगा क्या करूँ। रेडी तो यह करी पेरेंट धक्का वाली रेडी थी, जब कुछ साधन नहीं मिले तो फिर इनको रेडी जुड़ी, इसमें जो लगवाई रेडी लगवाई जुड़ाई 16 बंदे सारे माने इकट्ठे 21 बंदे काम करते हैं सब गोल गप्पे का। अच्छा हाँ जी ठीक, सरकार कुछ दे नहीं रही, कुछ हमारी परमिट दे नहीं रही बना जाने के लिए। कोई साहब 2 महीने हो गया, किसी ने हमारा अभी तक नंबर ही नहीं आया। देखिए पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से अमित शर्मा की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।